डॉल्फिन को हम अक्सर मछली समझने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है। वह तो एक स्तनधारी प्राणी है। जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, वैसे ही डॉल्फिन भी इसी वर्ग में आती है, क्योंकि ये हमारी तरह गर्म खून वाली होती है, जबकि मछलियाँ ठंडे खून वाली होती हैं। और डॉल्फिन गलफेड़ों से नहीं, बल्कि हमारी तरह फेफड़ों से सांस लेती हैं। वे अंडे देने की बजाय बच्चों को जन्म देती है और उन्हें दूध पिलाती है। डॉल्फिन को अकेले रहना पसंद नहीं है, ये सामान्यतः समूहों में रहना पसंद करती है। इसके एक समूह में 10 से 12 सदस्य होते हैं। हमारे भारत में डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है, लेकिन गंगा नदी में मौजूद डॉल्फिन अब विलुप्त कगार पर है। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कंपन वाली आवाज निकालती है, जो किसी भी चीज से टकराकर वापस डॉल्फिन के पास वापस आ जाती। इससे डॉल्फिन को पता चल जाता है कि शिकार कितना बड़ा है और कितने करीब है। डॉल्फिन आवाज और सीटियों के द्वारा एक दूसरे से बात करती। आइए जानते हैं डॉल्फिन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। डॉल्फिन के अपने नाम भी होते हैं, जिससे वे एक दूसरे को बुलाती हैं। ये शब्दों के बजाय अलग अलग आवाजें होती हैं। डॉल्फिन टेलीफोन पर एक दूसरे से बात कर सकती हैं और पता लगा सकती हैं कि सामने फोन पर कौन है, जैसे उनका बेटा। फिलहाल पृथ्वी पर डॉल्फिन की 41 जीवित प्रजातियां हैं। इनमें से 37 समुद्रों में और 4 नदियों में पाई जाती हैं। जानवरों में सबसे लंबी याददाश्त डॉल्फिन की ही होती है। डॉल्फिन की उम्र 15 साल होती है। कुछ प्रजातियां 50 साल तक भी जिंदा रहती हैं। डॉल्फिन इंसानों से 10 गुना ज्यादा सुन सकती हैं, लेकिन इन्हें खुशबू और बदबू नहीं पता चलती। सबसे छोटी डॉल्फिन 4 फुट और सबसे लंबी डॉल्फिन 32 फीट की है। अमेरिकी नेवी के पास 75% की डॉल्फिन है, जो उसके पानी के अंदर माइनस और दुश्मन तैराकों को ढूंढने में मदद करती है। डॉल्फिन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी तैर सकती है, जबकि इंसान अधिकतम 6.6 किलोमीटर आवर की स्पीड से ही तैर पाते हैं। मेल डॉल्फिन्स को बल्स और फीमेल डॉल्फिन्स को काउस कहा जाता है। पहली दो मुंह वाली डॉल्फिन 2014 में तुर्की में एक बीच पर पाई गई थी। डॉल्फिन और व्हेल जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, तब वे चिल्लाने लगते हैं। डॉल्फिन अपनी त्वचा की ऊपरी परत को हर 2 घंटे में उतार देती है। ब्रिटिश पानी में जितनी डॉल्फिन मौजूद हैं, उन सभी पर इंग्लैंड की महारानी का हक है। डॉल्फिन समुद्र का पानी नहीं पीती, क्योंकि ये इन्हें बीमार और यहाँ तक कि मार भी सकता है। डॉल्फिन जो भोजन खाती है, उसी से पानी की आपूर्ति कर लेती है। डॉल्फिन पानी में 990 फीट की गहराई तक जा सकती है। पानी से 20 फीट तक उछल सकती है, यानी 2 मंजिल इमारत के बराबर।